हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ कमला मरकंडिया। ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट वन का कंट्रीब्यूशन ऑफ कमला मरकंडिया, उन्हीं का टॉपिक है। तो यूनिट वन में जितने भी थे कंट्रीब्यूशन, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरबिंदो, वीके वेंकटरमणी और भी जितने भी थे, आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, मैंने वो सब कुछ पूरा करा लिया है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ कमला मरकंडिया। तो मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर वन का इंग्लिश लिटरेचर का पूरा सिलेबस सीरियल वाइज से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसकी वीडियो आप लोग पूरा सिलेबस, पूरी वीडियो बीए फर्स्ट सेमेस्टर की मेरे चैनल पे पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट है बीए फर्स्ट सेमेस्टर, तो आप वहां पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कमला मरकंडिया वॉज अ फेमस इंग्लिश राइटर। कमला मरकंडिया एक बहुत ही फेमस इंग्लिश राइटर हैं, लेखिका हैं। शी वॉज नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरीज, और वह एक नॉवेलिस्ट भी थी और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखती थी। ये नावल और शॉर्ट स्टोरीज दोनों लिखा करती थी। शी स्टार्टेड हर कैरियर विद अ जर्नलिस्ट एंड बिकम अ फेमस इंडियन सक्सेस राइटर। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक जर्नलिस्ट के तौर पर की, फिर बाद में वो एक फेमस इंडियन राइटर बन गई। टुडे एवरीवन नोन कमला मरकंडिया। आज सभी लोग कमला मरकंडिया को जानते हैं। देखिए, आज ये ना होकर भी हम सबके बीच में हैं, आप लोग इनका कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं क्योंकि ये लोग बहुत ही फेमस हो गए। एवरीवन लाइक कमला मरकंडिया स्टोरीज, नावेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट एंड एसेज। सभी लोग इनके नावेल, एसे, ड्रामा सबको बहुत पसंद करते हैं, बहुत फेमस हैं, पॉपुलर हैं। शी अर्न्ड रेस्पेक्टेबल प्लेस इंग्लिश लेक्चर एंड लिटरेचर। इन्होंने बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट, इज्जत हासिल की इंग्लिश लेक्चर और लिटरेचर में, यानी कि साहित्य में। हर वर्क मेजरली शॉर्ट स्टोरीज वर पब्लिश्ड इन वेरियस इंडियन न्यूज़पेपर द ऑफ दैट टाइम। हर वर्क मेजरली जो उनके मेजर वर्क थे, जो वो स्टोरीज लिखती थी उस टाइम में, तो वो पब्लिश्ड हुए अलग अलग, यानी वेरियस टाइप इंडियन न्यूज़पेपर में। जो भी उन्होंने स्टोरीज लिखी थी उस टाइम, वो इंडियन अलग अलग इंडिया के न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड हुए थे। कमला मरकंडिया वॉज बॉर्न 1 जनवरी 1924 इन मैसूर, इंडिया। कमला मरकंडिया का जन्म 1 जनवरी 1924 को मैसूर में हुआ था। हर ओरिजिनल नेम कमला पुरनैया, इनका जो ओरिजिनल नेम था कमला पुरनैया था। हर फर्स्ट नावल नेक्टर इन सी पब्लिश्ड इन 1954। शी डिस्क्राइब इन दिस रूरल वुमेन, तो इनका जो पहला नावल था जो इन्होंने सबसे पहले लिखा वो था नेक्टर इन एसिव, जो कि पब्लिश हुआ था 1954 में, जिसमें इन्होंने रूरल यानी कि ग्रामीण वुमेन जो थी, ग्रामीण महिलाओं के बारे में वर्णन किया था। हर नेक्स्ट नावल सम इनर फूरी पब्लिश इन 1955, जो इनकी दूसरी नावल थी, उन्होंने जो उनका नाम था सम इनर पूरी, जो कि पब्लिश्ड हुई, प्रकाशित हुई 1955 में। लेटर वर्क्स बाय कमला मरकंडिया इंक्लूडेड, जो बाद में इनके और भी मेजर वर्क्स थे जो भी उन्होंने लिखा, देखिए यहाँ पे ए हैंडफुल ऑफ राइस 1966, द कॉफर डांस 1969, द नाउ हेयर मैन 1972, टू वर्जिन्स 1973, द गोल्डन हनी कॉम्ब 1977 एंड प्लीजर सिटी 1982। तो ये सारे उनके मेजर वर्क्स हैं जो कि जब उन्होंने लिखा और किस किस ईयर में पब्लिश हुए, सारी डेट भी यहाँ पे मेंशन है। आप इनके सारे मेजर वर्क जिन भी उन्होंने लिखा है, नॉवेल है, स्टोरीज है, सबका नाम अच्छे से लर्न करिएगा, उनकी पब्लिश डेट भी लर्न करिएगा, ताकि आप लोग इनका जब कॉन्ट्रीब्यूशन पूछे एग्जाम में तो आप अच्छी तरह से लिख सकें। शी गॉट मोर अवार्डेड इन द फील्ड ऑफ नॉवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट, और इन्होंने बहुत ही ज्यादा अवार्ड भी पाए।
किस किस फील्ड में देखिए नॉवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट के फील्ड में, क्योंकि जब इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत सबसे पहले एक जर्नलिस्ट के रूप में ही की थी। वैसे तो देखिए इनका जन्म हुआ था मैसूर इंडिया में, लेकिन इनकी मृत्यु हुई थी लंदन यूनाइटेड किंगडम में, क्योंकि ये बाद में लंदन सेटल हो गई थी और वहां पे उन्होंने एक इंग्लिश मैन से ही शादी कर ली थी। तो आप लोग इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा।